बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज तनवीर अहमद। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तनवीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, टुडे दिस वुड बी द लास्ट वीडियो बेस्ड ऑन 62 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन चिप्स। तो बढ़ते हैं जी आखिरी वीडियो की तरफ, मिस्टर चिप्स के सवाल के सिलसिले में। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वॉज चिप्स विल, चिप्स की वसीयत क्या थी। अब विल का मतलब यहाँ वसीयत होती है। वसीयत वो इंसान जो अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी के दौरान ही अपने जायदाद की तफसील सरकारी तौर पर बनवा कर रखे और अपने वर्षा के लिए वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स रखे, जिसको वसीयत कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद की तकसीम कैसे होगी। इन 1930 1930 में मिस्टर चिप्स मेड हिज विल, चिप्स ने अपनी वसीयत की यानी वसीयत को लिखवाया। इन इट, जिसमें ही गेव सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू मिसेज विकेट, कुछ जायदाद अपनी मिसेज विकेट को दी। ही लेफ्ट द रेस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, बकिया जायदाद उन्होंने छोड़ दी टू फाउंड एन ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप टू द स्कूल, स्कूल में ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप की बुनियाद रखने के लिए। मतलब जो भी स्टूडेंट हकदार होगा वो स्कॉलरशिप हासिल करेगा। मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, नंबरों के हिसाब से नहीं था, वैसे ही जो हकदार नीडी होता होगा उसके लिए वजीफा कायम किया गया, वजीफे की एक शक्ल एक बॉडी कायम की गई ओपन एंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर 52, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिस्टर चिप्स ह्यूमर, मिस्टर चिप्स का जो मिजाज था उस पर नोट लिखें। हाउ कैन वी कॉल हिम अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट जेस्टर और क्लाउन का मतलब है मजाकिया शख्स। वेयर एवर चिप्स वेंट, चिप्स जहाँ भी जाते थे, एंड वॉट एवर ही सेड और जो भी कहते थे, देयर वॉज लाफ्टर, तो हंसी जरूर होती, हंसी वाली बातें होती हैं। वेन एवर ही रोज टू स्पीक, जब कभी भी वो बात करने के लिए उठते, पीपल गॉट रेडी फॉर अ जोक, तो लोग मजाक के लिए तैयार हो जाते, इतने फेमस थे शेप्स। क्वेश्चन नंबर 53, वॉट वर टू थिंग्स, कौन सी दो चीज़ें थी दैट चिप हैड नेवर डन इन हिज लाइफ, जो कि चिप्स ने कभी जिंदगी में दो चीज़ें नहीं की थी, क्या थी वो। और डेड चिप्स एवर गो टू सिनेमा, क्या चिप्स सिनेमा में कभी गए थे। और डेड चिप्स एवर ट्रेवल बाई एयर, या चिप्स ने कभी फजाई सफ़र किया, जहाज में सफ़र किया था। टू थिंग्स चिप्स नेवर डिड इन हिज लाइफ, चिप्स ने अपनी ज़िंदगी में दो काम कभी नहीं किए। ही नेवर ट्रेवल्ड बाई एयर इन हिज लाइफ, ज़िंदगी भर में वो फजाई सफ़र पर नहीं गए यानी जहाज पर सफ़र नहीं किया। ही हैड नेवर बीन टू टॉकी शो, कभी वो सिनेमा नहीं गए, सिनेमा को पहले पुराने वक्तों में टॉकी शो कहते थे। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन डिड चिप्स हैव विद लिनफर्ड, लिनफर्ड आखिरी स्टूडेंट था जो चिप्स से मिलने आया, अ स्टूडेंट फ्रॉम ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड का तालिबे इल्म, हु मेट मिस्टर चिप्स लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ आएगा, या सॉरी दिस की जगह, अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में चिप्स से जो मिला लिनफर्ड था लड़का। मिस्टर चिप्स टॉक्ड विद लिनफर्ड अबाउट ब्रूकफील्ड स्कूल, चिप्स ने लिनफर्ड के साथ ब्रूकफील्ड स्कूल के बारे में बात की। वो नया लड़का है, परेशान हो रहा है, असल में लिनफर्ड को बाकी स्टूडेंट्स ने जानबूझकर अंदर भेजा है कि चिप्स ने आपको बुलाया है, तो वो नया नया ब्रूकफील्ड में आया है तो घबरा रहा है, तो चिप्स ने उसकी हौसला अफजाई की। ही सेड टू लिनफर्ड, उन्होंने लिनफर्ड से कहा दैट ब्रूकफील्ड वुड नॉट रिमेन एन ऑफुल प्लेस, कि वो ब्रूकफील्ड जो है वो खौफनाक जगह नहीं रहेगा बच्चे के लिए। वन ही वुड गेट यूज टू इट, जब वो इसका आदी हो जाएगा। ये ऐसी है, हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, फियर है, जो बच्चा घबरा रहा है, नया नया स्कूल में आया है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डिड लिनफर्ड से, लिनफर्ड ने क्या कहा व्हेन ही लेफ्ट, जब वो रवाना हुआ यानी चिप्स के कमरे से गया तो क्या कहा उसने। व्हाइल लीविंग, जाते हुए, द बॉय सर लड़के ने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स। दीज वर द सेम वर्ड, ये वही अल्फाज थे सेड बाई कैथरीन, जो कि कैथरीन ने कहे थे बिफोर देयर मैरिज, उनकी शादी से पहले। दीज वर्ड्स रिवाइव्ड हिज पास्ट, इन अल्फाज ने उसे उसका माजी याद दिला दिया, रिवाइव्ड का मतलब है याद दिला दिया। एंड फिल्ड हिज आइज विद टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ चिप्स व्हेन लिनफर्ड हैड गॉन अवे, जब लिनफर्ड वहां से चला गया तो चिप्स की हालत कैसी होगी, कैफियत कैसी होगी। व्हेन द बॉय लेफ्ट सेइंग, जब लड़का ये कहते हुए चला गया गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स
रिकॉल्ड हिज वाइफ। मिस्टर चिप्स को अपनी बीवी याद आ गई। टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स। उसकी रुखसारों पर से आंसू बह निकले। ही फेल्ट टायर्ड हिमसेल्फ। अपने आप को वो थका थका महसूस करने लगा। यानी चिप्स को ये अल्फाज कैथरीन ने कहे थे, तो उसे वो कैथरीन की याद आ गई ये अल्फाज सुनकर। क्वेश्चन नंबर 57। हु मेट मिस्टर चिप्स ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। जिंदगी की आखिरी शाम में चिप्स से कौन मिला था। ऑन अ फॉगी आफ्टरनून ऑफ 1933। 1933 की धुंधलूद सुपहर को अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा लड़का, लिनफोर्ड केम टू सी मिस्टर चिप्स। लिनफोर्ड चिप्स से मिलने आया। ही आस्क चिप्स इफ ही वॉन्टेड टू मीट हिम। उसने चिप्स से पूछा कि वो क्या उनसे मिलना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, लड़कों ने ज़बरदस्ती से अंदर भेज दिया मजाकन कि चिप्स ने आपको बुलाया है। क्वेश्चन नंबर 58। हु आर अराउंड मिस्टर चिप्स एट द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। जिंदगी के आखिरी वक्त में चिप्स के आसपास कौन थे। जब चिप्स को मिसेज विकेट असल में घर से चली गई थी, मिस्टर चिप्स अकेला था तो वो बेहोश हो गया। तो जब उसे होश आया तो उसके आसपास कौन थे। व्हेन चिप्स केम टू हिज सेंसेस, जब चिप्स को होश आया, ही सॉ डॉक्टर मैरीवेल। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर मैरीवेल हैं, मिसेज विकेट है, मिस्टर कार्टराइट हैं, एंड ओल्ड बफल्स, और ओल्ड बफल्स हैं स्टैंडिंग अराउंड उनके आसपास खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 59। हु वॉज कार्टराइट। कार्टराइट कौन थे। कार्टराइट वॉज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। कार्टराइट स्कूल के हेडमास्टर थे। व्हेन चिप्स रिजाइन फ्रॉम द हेडशिप इन 1918। जब चिप्स ने 1918 में इस्तीफा दिया हेडशिप से। क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से अबाउट हिज चिल्ड्रन। अपने बच्चों के बारे में चिप्स ने क्या कहा। तो वहाँ बात हुई कि चिप्स के बच्चे नहीं हैं, कार्टराइट ने पूछा। तो इस पर चिप्स ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कहा, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपनी मौत के वक्त, चिप्स ओपन हिज आइज। चिप्स ने आंखें खोली एंड सेड, और कहा, दैट ही हैड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, कि उसके तो हजारों बच्चे हैं। एंड दे ऑल वर बॉयज, और सब के सब लड़के थे। ऑल हिज प्यूपल्स वर हिज सन्स, तमाम शागिर्द उसके बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 61। व्हेन एंड हाउ डिड चिप्स डाई। चिप्स कब और कैसे मरा। मिस्टर चिप्स डाइड इन नवंबर 1933 साइलेंटली। मिस्टर चिप्स चुपके से, खामोशी से, नवंबर 1933 में मर गया। व्हेन अदर थॉट, जब दूसरे समझ रहे थे, दैट ही वॉज स्लीपिंग, के वो सो रहा है। ही हैड अ पीसफुल डेथ, उसकी पुरसकून मौत थी। क्वेश्चन नंबर 62। हु अनाउंस्ड मिस्टर चिप्स डेथ एट ब्रूकफील्ड पब्लिक स्कूल। ब्रूकफील्ड पब्लिक स्कूल में चिप्स की मौत का ऐलान किसने किया। यहाँ पी और SP कैपिटल आना चाहिए सवाल में। कार्टराइट द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। कार्टराइट जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे, अनाउंस मिस्टर चिप्स डेथ, मिस्टर चिप्स की मौत का ऐलान किया एट ब्रूकफील्ड पब्लिक स्कूल। ब्रूकफील्ड पब्लिक स्कूल में, यहाँ पी कैपिटल आएगा पब्लिक में। जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके 62 क्वेश्चन। इनशाला इनमें से 8 के 8 क्वेश्चन, या 7 8, 6 7 8 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। आपका 16 नंबर का पेपर इसमें साल इनशाला हो जाएगा। तो लेकिन याद रहे, ये कम अज़ कम सवाल हैं, आप इनसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल सो फार, सब्सक्राइब इट।